देखो यार, अगर आप लोग अच्छे गेम्स सुन रहे हो अंडर 100 MB तो आप लोग सही वीडियो देख रहे हो। वीडियो का एंड तक सब देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट न्यू ऑफलाइन गेम्स बताने वाला हूँ अंडर 100 MB पर एंड्रॉइड और iOS के लिए। मैं सारे के सारे गेम्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं, लेकिन वो गेम्स बताऊँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और अमेजिंग गेम्स जानते रहने के लिए, और कमेंट करके सब बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। और हाँ, सभी गेम की डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू नो 5 PG जो गेम आता है वो एक जॉम्बी गेम होने वाला है, तो अगर आपको ऐसे जॉम्बी टाइप्स गेम्स खेलना पसंद है तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। गेम का नाम है द वॉकिंग ज़ॉम्बी 2। अब वही अगर गेम की बात करूँ तो गेम का साइज 68 MB के आसपास देखने को मिलता है। ये गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है, तो नेट की टेंशन मत लो। अब वही अगर गेम के फीचर्स की बात करूँ तो गेम के अंदर आपको 3D ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। ये एक सर्वाइवल RPG गेम है जो की फर्स्ट पर्सन शूटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बेस्ड है। जहाँ गेम के अंदर आपको ज़ॉम्बीज को शूट करना होगा सर्वाइव करने के लिए। बहुत सारी गन्स भी आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी चलाने के लिए, जैसे स्कार, AK और भी बहुत सारी गन्स आप इस गेम के अंदर चला पाओगे। तो मेरी मानो तो एक अच्छा शूटिंग गेम ढूंढ रहे हो खेलने के लिए, तो इसे चेकआउट कर सकते हो। इस गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। जो गेम है वो गेम एनिमे फैंस को जरूर पसंद आएगा, मतलब अगर आप एनिमे देखते हो तो ये गेम आपको जरूर पसंद आने वाला है। गेम का नाम है सुपर स्टिक फाइट ऑल स्टार। क्रिकेट थ्रू तो गेम में आपको बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे लूपी, गोकू, नारुतो और भी बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें सिलेक्ट करके आप फाइट कर पाओगे इस गेम के अंदर। इसको सिंपली डिस्क्राइब करूँ तो अगर आपने कभी शैडो फाइट 2 खेला होगा या फिर कभी देखा होगा तो वैसे कुछ गेम प्ले इस गेम का होने वाला है, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट इस गेम का है। गेम के साइज थ्रू तो गेम के साइज 88 MB के आसपास देखने को मिलेगा, और ये गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। गेम के ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है पर ठीक ठाक है। अगर डाउनलोड करना चाहोगे तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। थर्ड पेज की बात करूं उस गेम का नाम है लाडा 2107 कार सिमुलेटर। आज जितना अच्छे गेम का नाम है उतना ही सही गेम देखने को मिल जाता है। जब गेम के अंदर आपको बिल्कुल पूरा GTA San Andreas का मैप देखने को मिल जाएगा। इस गेम को आप GTA San Andreas का फैनमेड गेम भी कह सकते हो, क्योंकि गेम के अंदर आप बिल्कुल GTA San Andreas को एक्सप्लोर कर पाओगे। गेम के ग्राफिक्स भी बेकार देखने को नहीं मिलते और गेम का साइज भी बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तब भी आपके मोबाइल पे इजिली प्ले हो जाएगा। वही का गेम के साइज का तो गेम के साइज में 78 MB। अगर आपको बिल्कुल भी मिशन देखने को नहीं मिलते हैं जो GTA San Andreas के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ नंबर 2 पे जो गेम आता है वो एक कार रेसिंग गेम होने वाला है। तो अगर आप एक अच्छा कार रेसिंग गेम ढूंढ रहे हो 100 MB जिसके अंदर आपको एकदम कमाल की ग्राफिक्स देखने को मिले, तो आप इसे एक बार चेकआउट जरूर करना। वही गेम की डिटेल्स का तो गेम के अंदर आपको 40 से भी ज्यादा डिफरेंट कार्स देखने को मिल जाती है। यहाँ तक गेम के अंदर बहुत से सुपर कार्स भी अवेलेबल है जिन्हें आप फुली अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे गेम के अंदर। साइज का तो गेम का साइज 97 MB के आसपास देखने को मिलेगा, और ये गेम भी पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। और वही अगर गेम के नाम के तो गेम का नाम है ट्रैफिक रेसर रशियन। जैसे गेम के नाम से पता चल गया होगा कि ये गेम रशिया में बेस्ड होने वाला है, तो गेम में आप रशियन रोड्स पे कार भी ड्राइव कर पाओगे। चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, इस गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम। और इसी के साथ वीडियो का आखिरी गेम यानी नंबर 1 पे जो गेम आता है वो बाइक रेसिंग गेम होने वाला है। गेम का नाम है मोटो रेसिंग मोटरसाइकिल राइडर। देखो यार, जितना बड़ा गेम का नाम है उतना सही गेम देखने को मिल जाता है। गेम के अंदर आपको 10 से 20 ज्यादा डिफरेंट बाइक्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक गेम के अंदर आपको बहुत सारी इंडियन बाइक्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे KTM हो गई, रॉयल एनफील्ड हो गई, होंडा और भी बहुत सारी डिफरेंट बाइक्स आप इस गेम के अंदर चला पाओगे और उन्हें फुली अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे गेम के अंदर। और वही गेम के साइज के थ्रू तो गेम का साइज होना है 100 MB, और ये गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है। और गेम के ग्राफिक्स भी बढ़िया है, बेकार गेम की ग्राफिक्स नहीं, गेम की ग्राफिक्स 100 MB के हिसाब से एकदम बढ़िया है। तो खैर, ये बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर एक अच्छा बाइक रेसिंग गेम ढूंढो खेलने के लिए तो इसे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, ये टॉप 5 न्यू गेम्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी एक वीडियो भी अपलोड करिए जिसमें मैंने टॉप 5 बेस्ट स्पाइडरमैन गेम्स के बारे में बताया। आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। बाय।